मुकदमे हम पे चले और हम लोगों को जेल जाना पड़ा। ये वही महासंघ है जिसने दिल्ली के धरती पर रामलीला मैदान में आप सबके सहयोग से लाखों लोगों की रैली एक बार नहीं कई बार की सरकार को झुकना पड़ा। संविधान में 3 संशोधन सरकार को करने पड़े 81, 82 और 85। ऐसा होता है कि सब लोग एक आदमी विश्वास व्यक्त कर देते हैं, एक आदमी को विश्वास दिया कि भाई चलो तुम हमारे नेता हो, और नेता को गलतफहमी जब होती है तो मूवमेंट हर बार लड़खड़ाता है। काश बीपी मौर्य साहब कांग्रेस ज्वाइन ना करते, ना मंत्री बनते, तो मुझे लगता है कि जो आंदोलन उन्होंने उनके नेतृत्व में बना था वो आंदोलन आज कहीं बहुत दूर तक जा सकता था। लेकिन नेता परिसंघ में भी हमारे यहां आए, उन लोगों ने वही रास्ता अख्तियार किया जो जनरली लोग गलती करते हैं, और गलती करने के बाद में आज हम देखते हैं कि जब महासंघ के चेयरमैन थे तो बहुत अच्छी पोजीशन थी, आज लोकसभा के सांसद बनकर के भी इतनी बड़ी दुर्दशा है कि समाज का हर आदमी गाली देता है। और मैंने देखा समाज के गद्दार के रूप में भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कॉमेंट करते हैं। लेकिन सर ये वो लोग हैं जो कभी बिके नहीं, कभी झुके नहीं, ये वो लोग आपके सामने बैठे हैं जो समाज की भावना को लेकर के, समाज की बात को लेकर के आज तक ये अपने मूवमेंट को लेकर के खड़े हुए हैं, और आज ये माननीय काशीराम जी और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को बढ़ाने के लिए अपने घर को फूंक करके, अपने बच्चों को समय ना दे करके, अपने आप को समय ना दे करके दिन रात समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। बात सही है भाई? बहुत सारे लोग इनमें कई बार जेल जा चुके हैं, मुकदमे चले हैं, 12-12 साल मुकदमे झेले हैं, हाई कोर्ट के मुकदमे इन मामलों के लगे हैं, आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस कराने के लिए कितना बड़ा संघर्ष रहा है। आज तो हम लोग यहाँ एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ करके बात कर रहे हैं, अभी गर्मी लगी तो 6 एयर कंडीशन 12 टन एसी अभी ऑन हो गया तो ठंडक हवा आने लगी। ऐसा समय था जब बैठने की जगह नहीं थी, बैठने के लिए कई बार जंतर मंतर का प्रयोग किया जाता था या पालिका बाजार की छत पर लोग बैठ करके मीटिंग किया करते थे। आज इसी कनॉट प्लेस में इतना बड़ा एम्पायर बाबा साहब अम्बेडकर के माननीय काशीराम जी के आशीर्वाद से खड़ा हो गया कि आज हम अपने ही अपने खुद के दफ्तर में एयर कंडीशन ऑफिस बैठ करके अपने समाज की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये भी एक बदले हुए समय का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है। जहां तक महासंघ की बात है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी दोनों चीजों में मजबूत है, एक तो पढ़ा लिखा है, उसके पास में बाबा साहब की वजह से उसकी जेब में पैसा भी आता है, वो मोबिलाइज भी कर सकता है, काफी लोगों को बता सकता है, एक मैसेज भी क्रिएट कर सकता है, बशर्ते कि जो आम आदमी गांव में है वो साधन वीर है, पढ़े लिखे हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल भी वो वाला है जो जिसमें सब चीज चलती है। तो हमने कहा कि ये जो पढ़ा लिखा समाज सरकारी अधिकारी कर्मचारी है, अपने कभी एक बात बताओ, एक कल भी बात हो रही थी, अगर किसी सुरुकार के साथ जब अन्याय होता है तो क्या उसकी जात पूछ के होता है? क्या उसकी कास्ट पूछी जाती है? शेड्यूल कास्ट जानने के बाद चाहे वो किसी भी सब कास्ट का आदमी हो, उसके साथ अन्याय होता है, उसमें कोई वो कोताही नहीं करते, सबके साथ एक जैसा करते हैं। फिर हमारे अंदर ये सब कास्ट की बीमारी का आधार हमने क्यों बना रखा है? उत्तर प्रदेश में देखा गया पर्टिकुलर जाति के लोग पता नहीं दूसरी जगह ही अपना काम करते रहते हैं। हमने पूछा उसे तुमको क्या फायदा है, कौन सी नई चीज हुई जो तुम्हें मिलनी चाहिए, मिली है जो दूसरे लोगों को नहीं मिली? बात लोगों की समझ में आ रही है, समझाने के लिए समय भी चाहिए, समझाने के लिए समझ भी चाहिए, और उसमें हौसला भी होना चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि जहां तक हम परिवारों की बात करते हैं, मैं तो बहुत गरीब घर से हूं, यही बुलंदशहर का रहने वाला हूं, बहुत दूर नहीं 80 किलोमीटर में मेरा गांव है, मेरा भाई बैठा हुआ है सुधीर दास सिंह, इसका गांव जहां जंगीराबाद है। अब जब माननीय काशीराम जी मूवमेंट शुरू कर रहे थे तो हम तो वैसे छोटे छोटे थे, और हमारे पिताजी और इनके पिताजी आपस में दोस्त थे, वो आपस में मिल करके जब भी कभी शाना की बैठक हुई तो इनके पिताजी उधर आ गए, फिर हमारे चले गए, मिलजुल कर जो भी सहयोग हुआ, क्योंकि उस समय सहयोग के लिए था भी कुछ नहीं। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में, अगर बुरे समय में जिन लोगों ने बुद्धिज्म का काम किया हो, अम्बेडकरवाद का काम किया हो, मुझे लगता है कि अपने आप में ये बड़ी बात है, इसके लिए भी ताली होनी चाहिए। इस बात का है कि अब कैसे आगे बढ़ा जाए। एक तो मेरा निवेदन है सारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों से कि जो सबकास्ट वाले मैटर में आप बड़ा सेंसिटिव तरीके से काम करें, जहां कहीं भी लगता है कि यार ये उपजातिवाद की समस्या आ रही है, उसको ये कहें कि बहन जी किसी जाति विशेष के लिए नहीं काम करती, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद काम किया है, सारे समाज को उन्होंने लाभ दिया, पोजीशन जो भी उनकी बनी है सबको बराबर हक उन्होंने दिए हैं, और उसके बावजूद भी अगर कहीं उपजातिवाद की बात आती है तो निश्चित रूप से यह समाज के लिए बड़ी पीड़ा की बात होनी चाहिए, और इसके लिए हमको एक एजेंडा बनाकर काम करने की आवश्यकता है। मैं इस मुझे सौभाग्य है कि आप सबने चेयरमैन आपने बदल दिए, पहले चेयरमैन तो आज एमपी हैं, दूसरे चेयरमैन हमारे दुनिया में रह रहे
हमारे सोमनाथ हंस रेलवे वाले, तीसरे चेयरमैन इंजीनियर बी एस भारती हम बैठे हुए, बोले डीसी कपिल साहब हम बैठे हुए हैं, चौथे चेयरमैन इधर बैठे हुए हैं, पांचवा चेयरमैन रेलवे वाला है, छठे चेयरमैन फिर आज भारती साहब है। लेकिन मुझे तो आपने जिस दिन जिम्मेदारी दी थी महासचिव की, मुझे तो आपने पिछले 21 साल में लगातार इस जिम्मेदारी को आप लोगों ने मुझे, हालांकि कई बार कहा भी गया भाई तो दूसरा आदमी आ जाओ, लेकिन आप लोगों का प्यार और विश्वास रहा कि इस जिम्मेदारी को आपके सहयोग से, और जब बात आती है जिम्मेदारी के साथ न्याय करने की, वो बहुत बेहतर। मेरा कहना यह है कि जो भी गलती हुई है, अब तक जन्मदिन की बात आई, जन्मदिन में जब बात आई तो विचार आया कि जन्मदिन बहन जी का मनाया जाना चाहिए। मैं निवेदन किया, निवेदन स्वीकार किया, क्योंकि एक परिवार है, हमारा खून का रिश्ता है। कहते यार बिल्कुल, कई लोगों को लगा तीन तीन चार 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 और तीनों प्रभारी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये इसका मतलब ये भी जो आज की सभा है ये दूर तक, देखिए मैंने कहा कि जो नेशनल दस्तक है ये 25 लाख तक बात लेके जाएगा आपकी, ये हमारे दूसरे टीवी 10 लाख 5 लाख 8 लाख 3 लाख तक समता आवाज लेके जाएगा, यूटीवी हमारा समझे 5 लाख लोगों तक बात लेके जाएगा, हमारा जो दलित न्यूज नेटवर्क है वो हमारा 5-6 लाख लोगों में बात लेके जाएगा। ये बात आपकी दुनिया के कोने कोने में जाएगी, ये बंद कमरे की मीटिंग नहीं है, बल्कि देश दुनिया के कोने कोने में लोग इसे वाच करेंगे। आज कुछ संकल्प लेने पड़ेंगे, आज हमें कुछ अपनी नीति बनानी पड़ेगी, आज हमें कुछ अपना कमिटमेंट देना पड़ेगा, आज हमारी जो है एक परीक्षा है कि हम लोग परीक्षा से ना भागे और अपनी परीक्षा में हम पास हों, और परीक्षा में पास होने का एक ही रास्ता है कि मेरे को लोग बोलते हैं, मैं अभी वहां वैंकूवर में बोल रहा था, एक हमारा साथी था वो बोल रहा था प्रोफेसर कि भाई वो 50 साल में 50 प्रोफेसर 50 इंजीनियर और 50 हम डॉक्टर बनाएंगे। अबे 50 साल पर लोगों ने पूछा प्रोफेसर साहब आपकी उम्र कितनी है, कि आप मेरी उम्र 55 साल है, अरे 55 साल में 50 105 तुम तो जिंदे रहोगे तो पता बनाओगे ना। मैंने कहा यार मेरा एक लाइन का प्रस्ताव है, पूरी दुनिया के लोग यहां बैठे हुए, मेरा एक लाइन का प्रस्ताव है कि साहब बताइए चौधरी साहब क्या 2019 में अपनी बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव पास करते हो। हमारे भाई ने कहा, उसी भाई ने कहा मरवाओगे क्या यार, मरवाओगे क्या। अबे मैंने कहा मरवाने की बात है, जिसने दी थी हमने, हमें जिस दिन हमें मिली थी नौकरी ये भी किसी ने दी थी ना, बाबा साहब ने दी थी। और अगर ऐसी स्थिति भी आ जाए तो बात में लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है, गाड़ी पार्टी की इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी का उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और काम दूसरी जगह कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इन सब चीजों पर भी बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार बात आती है कि अब जन्मदिन की बात है, जन्मदिन में एक दिक्कत ये आई कि पार्टी को फंड तो चाहिए, आंदोलन को फंड तो चाहिए, आंदोलन को फंड कैसे, जैसे हम महासंघ की रैली हमने अभी महासंघ का कार्यक्रम किया उसमें इसमें अपना ताल कटोरा में, तो हमने 2018 में भी कार्यक्रम कर दिया, 2017 में भी हमने एक अंतरराष्ट्रीय दलित सम्मेलन कर दिया, 2013 में भी अंतरराष्ट्रीय दलित सम्मेलन कर दिया, ये बात सही है किया, हजारों लोग पूरे दुनिया के कोने कोने से आए, बात सही, आप सब लोग साक्षी हैं भैया, उसमें पैसा भी लगता है, लोग आते भी हैं, वर्ल्ड के लोग अगर आते हैं बहुत सारी चीजें हैं, उनका रहना खाना आना जाना बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन महासंघ ने अपनी जिम्मेदारी को आप सबके सहयोग से निभाने की हर संभव कोशिश की है। अब क्वेश्चन ये है, जब हम आपसे बोलते हैं कि हमें भाई सहारनपुर जो पीड़ित परिवार हैं उनको कुछ आर्थिक सहयोग चाहिए, हमें नहीं पता ओपी सागर साहब 50,000 रुपए आपके जुम्मे हैं, हमें नहीं पता इंडिया 50,000 आपके जुम्मे हैं, हमें नहीं पता जो भी हमें केनरा बैंक 50,000 आपके जुम्मे हैं, LIC 50,000 आपके जुम्मे हैं, राजेंद्र प्रसाद विद्युत बोर्ड 50,000 आपके जुम्मे, तो पता लगा कि हमने कहा लंदन वालों से कहा, हमने कहा भाई तुम भी करो कुछ, 3.5 लाख रुपए उन्होंने भेज दिए, 1.5 लाख रुपया न्यूयॉर्क वालों ने भेज दिए, बाकी सभी संतों ने करके 16.5 लाख रुपया आप सबके सामने हैंड ओवर किए है, आप लोग साक्षी है, सब लोग आपके सामने दिए, हम गरीब परिवारों को भाई पार्लियामेंट स्ट्रीट में दिए हैं, आपके सामने दिए ना, ऐसे दिए ना लिफाफे बांट बांट के। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक अथॉरिटी है महासंघ को चढ़ाने की, और महासंघ की अथॉरिटी का हम प्रयोग करके जो भी हमें ताकत मिली है हम समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अब कई चीजें अथॉरिटी में आगे टिक जाती हैं, कई बार पार्टी अच्छा सोचती है कि हमने अच्छा किया, लेकिन अच्छा विश्वास भी करती है, लेकिन जब वो आदमी अच्छा नहीं निकलता इसमें पार्टी की भी इसलिए गलती नहीं है कि हम लोग भी जब राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी निभाते हैं
और हम अपने नीचे के जिम्मेदारियों को लोगों को देते हैं तो कई बार हम लोग भी धोखा खाते हैं कि यार ये आदमी पर भरोसा किया, ये आदमी तो सही नहीं निकला, क्या करें, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं समाज को भुगतना पड़ता है। तो मेरा आज इस बैठक में यही निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में मिलकर काम करना है, एकजुटता से काम करना है, चुनौती भरा समय है, 2019 एक चैलेंज है समाज के लिए, हमारे समाज के, हम अपने समाज की बात कर रहे हैं, और अगर इसमें किसी प्रकार की चूक होती है तो मुझे लगता है कि इतिहास आपको कभी माफ नहीं करने वाला, हमको कभी माफ नहीं करने वाला। तो मेरा यही आह्वान है आप लोगों से, इससे पहले कि हमारे अतिथिगण बोले, मैं आपको यही आह्वान करूंगा कि आप सब लोग एकजुट होकर के तन से मन से धन से अपने इस आंदोलन को सहयोग करने के लिए तैयार हो। धन्यवाद।